हेलो गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स, हर हर महादेव। तो आज हम जोधपुर घूमने के लिए निकल चुके हैं अभी, तो सीधे बाइक पे ही मिले। तो आज धूप बिल्कुल निकले नहीं है बाहर, और बोला जा रहा है कि इधर बारिश होने वाली है आज। तो अभी देखते हैं कि बारिश नहीं हुए तो अच्छा है, नहीं तो हमारा सब प्लानिंग चौपट हो जाएगा। तो आज पूरा जोधपुर घूमने वाले हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या क्या घूमते हैं हम आज। तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब वो भी कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो एक छोटी सी कमेंट भी कर देना भाई। तो देख सकते हो आप बहुत ट्रैफिक है, सुबह में अभी निकले हैं, सब जा रहे हैं अपने अपने काम पर, तो बहुत ट्रैफिक है रास्ते में। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जोधपुर सिटी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ट्रैफिक का इतना सारा इधर प्रॉब्लम नहीं है। जो जयपुर में हमको ट्रैफिक मिला था, इतना सारा ट्रैफिक इधर नहीं है, अच्छा है। और घूमने के लिए जोधपुर के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो आप कभी भी आओ तो जोधपुर भी घूमना, बहुत अच्छी अच्छी जगह है जोधपुर के अंदर। तो अभी हम जाने वाले हैं इधर से उम्मीद भवन के लिए, तो जो उम्मीद भवन है वहीं पे जाएंगे। ये भाई ऋषि ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया, अभी वो घूम के आएगा वापस इधर। तो उम्मीद भवन के लिए निकल चुके हैं हम लोग, तो पहले वो घूम लेते हैं, बाद में हम वहीं से निकलेंगे मेहरनगढ़ के लिए। बीच में खाना वाना भी खाएंगे, अभी तो सुबह है, सुबह के हम करीबन 8 बजे जैसे निकल चुके हैं, 7:30-8 बजे के बीच में हम निकल चुके थे, होटल छोड़ दिया था। तो अभी रास्ता भी इतना खुला है और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल धूप नहीं है, तो हमको बहुत मज़ा आ रहा है अभी। तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, एकदम बेस्ट और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो आप देख सकते हो सामने जो है मेरे लेफ्ट साइड पे, तो वो आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है, यहाँ पे इंडियन आर्मी का है, बहुत ही बड़ा कैंप है इधर। तो भाई सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, कोणार्क। तो ये सीधा रास्ता जो है हम अंदर आ चुके हैं, ये जो गेट है ये उम्मीद भवन के लिए जा रहा है, यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे अभी। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इधर, देख सकते हो आप, रास्ता भी इतना अच्छा है। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं अभी साफ सफाई उम्मीद भवन के लिए, और मेरे साइड में देख सकते हो आप जो घर बने हैं सब पत्थर से बने हुए हैं, ईंट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया इसके अंदर, और सब पत्थरों से बना। तो आप सामने देख सकते हो उम्मीद भवन हम पहुंच चुके हैं, तो वो सामने उम्मीद भवन दिख रहा है अपने को। तो अभी गाड़ी सही तरीके से पार्क करेंगे, बाद में पूरा जो भवन है वो घूमेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मूवियों का शूटिंग भी हुआ है, और बहुत अच्छा है ऐसा मेरे को बोला सब ने। तो अभी मैं वहीं पर, तो पहले अपनी बाइक वगैरह पार्क कर लेते हैं, क्योंकि अंदर तो साइड पे पार्किंग, उधर पार्किंग कर लेते हैं गाड़ी का बराबर सेफ जगह पे, बाद में हम घूमने के लिए जाएंगे अंदर, अच्छा है। चलो पार्क कर लेते हैं गाड़ी को अपनी, बाद में पूरा भवन घूमेंगे इधर, सब अच्छा है। तू भाई उधर रख दे, एकदम सेफ तरह। तो आप देख सकते हो पूरा भवन यहाँ से बाहर से मैं दिखा रहा हूँ अभी, बहुत ही बड़ा है। तो ये जो है सब इधर जो राजा थे उनकी सब गाड़ी का कलेक्शन है, जोधपुर के जो राजा थे उनकी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है, देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। और यहाँ के जो राजा थे उनका हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई अपने को भी कलेक्शन का बहुत शौक है, लेकिन अपना टाइम भी आएगा तो करेंगे ऐसा कलेक्शन, हम बाइक के कलेक्शन करेंगे, कार तो अभी बहुत दूर की बात है। तो आप देख सकते हो एक से एक बढ़िया कार है इधर राजा की, एक से एक बढ़िया कार, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, और विंटेज कार है सब। भाई अपने को भी ख़रीदनी है ऐसी कार, कब आएगी, बहुत ब्यूटी। अब ये जो कार है उनका व्हील जो है पूरा लकड़े का बना हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ दिख रहा है अभी, देखो आप।
देख सकते हो एक से एक बढ़िया कार है, एक से एक नंबर, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, लाजवाब, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपको बाहर से तो उम्मीद भवन दिखा है, लेकिन इधर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो कैसा है उम्मीद भवन। तो ये जो अभी रखा है पेटी के अंदर, कांच के अंदर रखा है, वो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है उम्मीद भवन का, बहुत ही बड़ा भवन है। इधर मूवी का शूटिंग भी होता है और खाना भी इतना कॉस्टली है यहाँ पे। तो मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ का एक नाइट का जो अपने होटल में रहते हैं, तो यहाँ पे भी ये होटल ही है हेरिटेज, तो यहीं पे रुकने का जो एक दिन का जो होता है अपना, तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए जैसा एक दिन का इधर का किराया है। तो आप मानो कि कितना बढ़िया होगा, है 5 स्टार है, बहुत ही बढ़िया है। और देख सकते हो आप राजा का सब सामान। तो अभी हम लोग ने खाना खा लिया है, क्योंकि वहीं पे आपको पूरा वीडियो में नहीं दिखा सका, क्योंकि वहीं पे अलाउड नहीं था अंदर वीडियो शूटिंग। तो मैंने जहाँ तक निकला वो मैंने शॉट निकाले और आपको मैंने दिखाया, क्योंकि वहीं पे कैमरा वगैरह सब मेरे को रखवा दिया था अंदर, तो मैं कोई शूटिंग कर नहीं पाया। तो अभी हम लोग ने खाना खा लिया है, अब यहीं से हम निकलेंगे मेहरनगढ़ के जाने के लिए। तो मेहरनगढ़ फोर्ट देखते हैं, वहीं पर भी क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जा रहे हैं अभी मेहरनगढ़ के लिए हम। तो उम्मीद भवन के अंदर मैंने देखा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कलेक्शन थे वो समय का, जो अपने राजा राजवाड़ा के समय के जो बोलते हैं वो अपने यहाँ के, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन था और मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं पे वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं था, मैंने वीडियो बंद कर दिया था और मेरा कैमरा भी रखवा दिया था साइड पर, तो मैंने बंद करके अपने जो होता है वो अपने किया। मेरे को तो पूरा वीडियो निकालने का था, लेकिन मेरे को कोई शॉट नहीं मिला। मैंने शुरुआत में जो दिखाया वही मेरे को मिला है वहीं पे, क्योंकि मेरा कैमरा अंदर रखवा दिया था। तो अभी हम मेहरनगढ़ के लिए जा रहे हैं। ये जो है जोधपुर का मेन बाज़ार है, आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा बाज़ार है। तो जोधपुर का बहुत बड़ा बाज़ार है ये, आप देख सकते हो सेंट्रल के सरदार मार्केट करके है, सरदार मार्केट बोलते हैं इनको। तो वो जो सामने है वो क्लॉक टावर है, आप देख सकते हो। तो राजस्थान के अंदर आओ तो क्या है कि ये सब देखने के लिए मिलता है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपने को मिलती है देखने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है कि नहीं भाई ये कुछ है यहाँ पे भी। तो मेहरनगढ़ फोर्ट के लिए यहाँ से ही रास्ता पड़ता है, तो यहाँ से वो सामने देख सकते हो आप जो बड़ी बड़ी पहाड़ जैसा दिख रहा है आपको, बस वहीं पर ही जाने का है हम लोग को, वहीं पर मेहरनगढ़। तो उनके पीछे की साइड में बहुत हाइट पे है मेहरनगढ़ भी, तो बहुत ही बड़ा महल है वो भी। तो वहीं पे अब हम जा रहे हैं, इधर थोड़ा रास्ता वो पत्थर वाला है, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली जा रहे हैं हम। और आपको थोड़ा कैमरा भी हिलता हुआ दिख रहा होगा, तो बस यहीं से वो बाहर निकलते वहीं तक ही ऐसा रास्ता है, बाद में आगे से अच्छा रास्ता है। तो अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अब जयेश और ऋषि तो आगे है मेरे से, मैं उनके पीछे हूँ, क्योंकि मेरे पीछे गाड़ी पे सामान तो आज कुछ है नहीं, लेकिन थोड़े धीरे धीरे से निकले तो अच्छा है। तो जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोग ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे सब ब्लू ही ब्लू है, तो जोधपुर को ब्लू सिटी से भी पहचाना जाता है। और आपको मैं ऊपर से दिखाऊँगा, पूरा ब्लू कलर का है दिखेगा अपने को, ऐसा मेरे को बोला एक भाई ने। तो जोधपुर को ब्लू सिटी से पहचाना जाता है, और आप देख सकते हो सभी कलर ब्लू कलर के ही घर है इधर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी गली थी, और हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे लेकिन बाहर निकल चुके हैं अभी। तो बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ थी,
अभी ये देखो मेन रास्ता आ गया है यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा सीधा मेहरानगढ़ के लिए, और अभी चढ़ाई है पूरी, तो देखते हैं। रास्ता भी थोड़ा छोटा है और लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, देख सकते हो। अभी चढ़ाई है यहाँ से, तो हम बहुत हाइट पे आ चुके हैं, अभी देख सकते हो। अभी तो ऊपर जाने का ही है, नीचे आप देखेंगे बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। पूरा ब्लू सिटी दिख रहा है और एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, और सामने दिख रहा है मेहरानगढ़, वो जो सामने दिख रहा है वो वहीं पे जाने का है हम लोग को, तो हम अभी वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी देखो वीडियो का शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट निकालेगा जय सभी। तो अभी हम मेहरानगढ़ पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से पार्किंग मालूम नहीं इधर है, चलो इधर जाते पार्किंग कर लेते हैं पहले गाड़ी को, क्योंकि ऊपर गाड़ी तो नहीं जा सकती, इधर साइड पे पार्किंग करेंगे। यहाँ पे सब पत्थर के हैं, तो गाड़ी थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, तो पहले पार्किंग कर लेते हैं नीचे और बाद में ऊपर जाते हैं मेहरानगढ़। देखो कितनी हाइट पर है, अभी आप देख सकते हो बहुत ही हाइट पर है मेहरानगढ़, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि फ़ोटो भी अभी निकालेंगे तो बहुत अच्छा फ़ोटो आएंगे। लेकिन हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, 4:30 जैसे हो गए, 5:30 बजे बंद होता है ये मेहरानगढ़, तो हम जल्दी से ऊपर जाते हैं, बाद में निकलने का तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो अभी यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, वहीं पर चलते चलते जाएँगे फटाफट से, और हो सके तो जल्दी से जल्दी हम अंदर पहुँच जाए, बाद में फ़ोटो शूट करेंगे। लेकिन पहले अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर ही सब दिखने का है, बाहर तो बाद में भी फोटो निकले। अभी हम अंदर आ चुके हैं, और आपने देखा पहले ही स्वागत में बहुत ही अच्छा म्यूज़िक के साथ हमारा स्वागत हुआ इधर मेहरानगढ़ के अंदर, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक नंबर स्ट्रक्चर है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो मोबाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा भी इधर भी बाहर रखवा दिया है, तभी मैं फ़ोन के अंदर से शूटिंग कर रहा हूँ। देख सकते हो इनका जो बैठक व्यवस्था है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और इधर बोला है कि ऊपर जो है वो पूरा, आप देख सकते हो जोधपुर सिटी यहाँ से दिख रहा है, पूरा ब्लू ही ब्लू दिख रहा है मेरे को, तो जहाँ भी नज़र जाए वहीं पे ब्लू कलर दिख रहा है मेरे को, बहुत ही अच्छा। अभी हम ऊपर हैं, तो अभी ऋषि की एक फरमाइश थी, तो बन्ना रहे वाला तो गोवा रहे उनके पास।
अभी हम निकल चुके हैं मेहरानगढ़ से नीचे। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो आपको मेरे को बताना है कमेंट के अंदर, तो जल्दी से जल्दी आप बताना। और नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देख सकते हो आज हम तीन लोग ने एक जैसी टी शर्ट पहनी है जो एक्सपी इंडिया ट्रैवल्स व्लॉग की अपनी चैनल की है। बहुत ही अच्छी टी शर्ट दिख रही है। और अब होटल पे जाने वाले हैं और होटल से कल सुबह जल्दी हम गुजरात निकलने वाले हैं अपने घर पे जाने के लिए, क्योंकि घर पे भी हमारा इंतज़ार हो रहा है। अभी बहुत दिन हो गए राजस्थान के अंदर, तो हम जल्दी से कल सुबह निकलेंगे गुजरात के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। बाय लवली पीपल्स, हरदर महादेव।